Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Irtisam's Biology. Dear students, today I'm going to teach you our next and most important topic, that is transport in humans. As we know ki humans jo hain wo complex organism hain aur class mammalia se belong karte hain. ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है पाया जाता है. इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का जो डिफरेंसेस हैं उनके बारे में पढ़ा था कि किस तरह से जो सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है वो वेसल्स के अंदर रन करता है और किस तरह से जो है वो वेसल्स के बाहर जो है बॉडी कैविटी के अंदर रन करता है. हमने उसके अंदर काकरोच एंड एज वेल एज अर्थवर्म के बारे में पढ़ा था. काकरोच में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखा गया था और उसके बाद जो अर्थवर्म है उसके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखा गया था. तो बेसिकली ह्यूमंस जो हैं ये कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं, तो इनके अंदर जो है वो एडवांस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, दैट इज द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. अब ह्यूमंस के अंदर ट्रांसपोर्ट की जरूरत क्यों है या कोई भी जानदार हो उसके अंदर ट्रांसपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ती है? रीजन ये है कि सर्वाइवलशिप के लिए, लाइफ को कैरी ऑन करने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है. अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है मेनली उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो याद रख लें, एक आपके पास आ जाता है फूड जो कि मेन कंपोनेंट है, दूसरा डियर स्टूडेंट्स गैसेस आ जाती हैं, और तीसरा वेस्ट मटेरियल आ जाता है. इन तीनों चीज़ों की जो है ट्रांसपोर्ट बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह करनी पड़ती है, क्योंकि बॉडी के अंदर सारे के जो सारे सेल्स हैं वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट से खुराक नहीं ले सकते, या फिर वो अपनी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनको डायरेक्टली परफॉर्म नहीं कर सकते. उनको एक मीडियम चाहिए होता है जिससे वो अपनी चीज़ें जो हैं वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा सकते हैं. मिसाल के तौर पर एक कुरियर सर्विस है, लैपर्ड हो गई या TCS हो गई, या पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस जो है वो है एक कुरियर सर्विस है. उसका काम क्या है? एक जगह से चीज़ों को पकड़ना, दूसरी जगह पर लेकर जाना. जो आपके लेटर्स हैं, जो आपका मटेरियल है, आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं, इट्स मीन कि आपको आसानी हो रही है. तो बॉडी में हर सेल तक वो जो है पैगाम रसानी का काम, या फिर जो सेल को खुराक देनी और सेल से वेस्ट मटेरियल लेना, ये एक्चुअली क्या होता है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है. तो ह्यूमंस के अंदर दो तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, याद रख लें. एक है ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और वी कैन से ब्लड सिस्टम, और दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम. हमारा टॉपिक जो है आज वो ब्लड सिस्टम पर होगा, लिम्फेटिक सिस्टम को हम इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे. ये भी उसी तरह से जैसे ब्लड सिस्टम है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि नालियों वाला सिस्टम है, नालियां हैं, वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, कैपिलरीज होती हैं. सिमिलरली ये भी आपके पास एक क्लोज्ड सिस्टम है, इसकी अपनी जो है वो वेसल्स मौजूद होती हैं ब्लड बॉडी के अंदर, जो लिम्फ को, लिम्फ क्या है, बेसिकली फ्लूइड है जो बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह जो है वो कैरी किया जाता है. इंशाल्लाह इसके बारे में हम जो है वो बाद में पढ़ेंगे. अब हमने देखना ये है कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है या ब्लड सिस्टम है, ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसके लिए मेन चीज़ें कौन कौन सी रिक्वायर्ड हैं, और हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं जो इस सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ एसोसिएटेड हैं. तो याद रखें, एक तो है ब्लड वेसल्स. बेसिकली ब्लड क्या है? एक मादा है, स्याल मादा है, एक लिक्विड है जो पूरी बॉडी के अंदर रन करता है, और वो रन किसके अंदर कर रहा होता है? ब्लड वेसल्स के अंदर. पूरी बॉडी के अंदर नेटवर्क है, बिछा हुआ नेटवर्क है वेसल्स का, नालियों का, जिसको हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं. ब्लड वेसल्स मेनली आपके पास तीन तरह की हैं. एक है आर्टरीज, जो ए फॉर आर्टरी और ए फॉर अवे, जो दिल से दूर लेकर जाती हैं, दिल से अवे लेकर जाती हैं, हार्ट से अवे लेकर जाती हैं, ब्लड को आर्टरीज कहलाती हैं. दूसरी आपके पास हैं वेन्स. वेन्स जो हैं, वी फॉर वेन्स और वी फॉर वापस आना, ये याद करने के लिए. वेन्स क्या करती हैं? बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करती हैं और हार्ट को देती हैं. और इसी तरह से आपके पास आ जाती हैं कैपिलरीज. कैपिलरीज भी आपके पास वो साइट्स हैं, वो जगह हैं जहां पर गैसेस एक्सचेंज या फिर मटेरियल का एक्सचेंज टेक्स प्लेस होता है. उसके बाद हमारे पास आता है अ पंपिंग ऑर्गन, कोई ऐसी चीज जिसने पंप करना है उस फ्लूइड को, उस ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर पंप करने के लिए एक पंपिंग मशीन चाहिए होती है, और वो पंपिंग मशीन क्या है? हार्ट. फिर थर्ड वो फ्लूइड, वो खास किस्म का लिक्विड जिसने पूरी बॉडी के अंदर जाना है, वो आपके पास क्या कहलाता है? ब्लड कहलाता है. हमारा जो ब्लड है ह्यूमंस का, वो पिगमेंटेड है, उसके अंदर पिगमेंट्स पाए गए हैं और आपको रेड कलर में जो है वो दिखता है. देखना हमने ये है कि ब्लड जो है इसका काम क्या है, ब्लड का बॉडी के अंदर मेन फंक्शन क्या है. तो इसके लिए मैंने ना एक की बनाई हुई है, आप याद कर सकते हैं. की क्या है? बेसिकली भगवान. बी फॉर ब्लड है, एच फॉर
हार्मोन्स इसके अंदर होते हैं और हार्मोन्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर ये जाता है। हमने सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ना है, पूरा हार्मोन्स का एक टॉपिक होगा, पूरा एक चैप्टर होगा, उसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तब आपको पता चलेगा। बेसिकली ये केमिकल मैसेंजर होते हैं, बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन करवा रहे होते हैं। दूसरा गैसेस, गैसेस कौन कौन सी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है एज वेल एज ऑक्सीजन है, तो ये ब्लड क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह बॉडी में लेकर जाता है, बॉडी के टिश्यूज तक पहुंचाता है। थर्ड वन वेस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया नाइट्रोजनस वेस्ट, सेल है अगर वो खुराक ले रहा है तो उसका वेस्ट भी तो होगा, उस वेस्ट को लेकर जाना। और लास्ट हमारे पास आते हैं न्यूट्रिएंट्स, इट्स मीन के बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह न्यूट्रिएंट्स को भी पहुंचाना होता है ताकि ग्रोथ जो है वो प्रॉपरली हो सके। तो ये ब्लड का काम है। सो ब्लड इज अ मीडियम विच कैन कैरी हार्मोन्स, गैसेस, वेस्ट मटेरियल एंड एज वेल एज न्यूट्रिएंट्स। ये ब्लड की प्रॉपर जो है वो डेफिनेशन हो गई है। आफ्टर दैट हमने ये देखना है कि ब्लड की कंपोजिशन क्या है। ब्लड जो है उसकी अगर हम कंपोजिशन देखते हैं तो ब्लड हमारे पास मेनली दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। ब्लड की कंपोजिशन को अगर देखा जाए तो इसके अंदर सेल्स हो सकते हैं, ब्लड सेल्स, जैसा कि व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, और सेल लाइक बॉडीज हो सकती हैं जो कि बड़े बड़े सेल्स के आगे टुकड़े हो सकते हैं, लाइक प्लेटलेट्स। सो इट्स मीन कि ये आपके पास कितने हो सकते हैं, 45%। अगर आप ब्लड लें तो उसमें 45% क्या होंगे, ब्लड सेल्स और सेल्स लाइक बॉडीज होंगी, और 55% क्या होगा, प्लाज्मा होगा। अब हमने मेनली बात करनी है प्लाज्मा के ऊपर। प्लाज्मा को देखा जाए तो प्लाज्मा में दो चीज़ें मेनली पाई जाती हैं। एक होता है आपके पास वाटर, जो कि 90% होता है, यानी कि अगर आप प्लाज्मा को अलहदा कर लेते हैं ब्लड से सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू, प्लाज्मा अलहदा हो गया, ब्लड अलहदा हो गया, ब्लड सेल्स नीचे बैठ जाते हैं, तो उसमें 90% आपको पानी मिलेगा। यही वजह है कि सेल के अंदर पानी बहुत ज़्यादा होता है और हमारे जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो एक्वस मटीरियल के अंदर हो रहे होते हैं, पानी की प्रेजेंस में हो रहे होते हैं। और फिर उसके पास बाकी जो 10% बचते हैं, 10% इस प्लाज्मा के पास बचता है आईफोन। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 10% क्या है, डिजॉल्व मटेरियल है, और डिजॉल्व मटेरियल हैं कौन कौन से, उनका नाम है जी आईफोन। याद रखने के लिए आपको आसान रहेगा, आईफोन इज अ गिफ्ट, एज अ गिफ्ट, ऐसे जैसे आप कह रहे हैं, ठीक है। आई फॉर क्या है, इनऑर्गेनिक आइंस हैं, पी फॉर प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, एच फॉर हार्मोन्स हैं, ओ फॉर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, एन फॉर नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, और सिक्स में जी फॉर आपके पास जो कि गिफ्ट है, गैसेस हैं। अब आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है ना विद इन फ्यू सेकंड जो है वो याद हो जाएगा। हमने बात करनी है इनऑर्गेनिक आयंस की। हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमंस के अंदर जो मेनली आयंस पाए गए हैं, मिनरल आयंस जो पाए गए हैं, वो ज़्यादातर है Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। इसके अलावा दूसरे भी हैं, लाइक हाइड्रोजन आयंस भी होते हैं, मैग्नीशियम भी हैं, कैल्शियम भी हैं, और उसके साथ साथ दूसरे आयंस भी जो हैं वो देखने को मिलते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर हैं वो कितने हैं, वो कौन कौन से हैं, दैट इज़ द NaCl, जिसको हम टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, नमक जिसको बोलते हैं। अब ये दोनों मिलकर क्या कर रहे होते हैं, बॉडी का ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है उसको मेंटेन करते हैं, मतलब बॉडी में वाटर लेवल को और सोल्यूट लेवल को मेंटेन करने में हेल्प कर रहे होते हैं। और जो दूसरे आयंस हैं लाइक हाइड्रोजन आयंस, या जितना भी आयन इम्बैलेंस अगर हो जाए तो ब्लड की पीएच जो है वो चेंज हो जाती है। पीएच बेसिकली है क्या, हम कहते हैं कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन या प्रोटॉन की कंसंट्रेशन। जब प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा होती है तो बॉडी अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती। अगर आपको थर्ड चैप्टर याद है तो आप कहते हैं कि एंजाइम्स को काम करने के लिए एक खास पीएच की ज़रूरत होती है, जिसको हम ऑप्टिमम पीएच बोलते हैं। तो ये बात याद रखें, पीएच इम्बैलेंस हो जाती है, डिस्टर्बेंस आती है अगर इन चार्जेस के अंदर, इन आयंस के अंदर अगर प्रॉब्लम आ जाए तो। तो पीएच ब्लड की कितनी है, 7.4। इस पर ब्लड जो है उसके एंजाइम्स या जो सेल के अंदर पाए जाने वाले मटेरियल हैं, एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं। जब ये पीएच ऊपर या नीचे आती है तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो ब्लड एज ए बफर भी काम करता है, क्योंकि इसके पास आयंस मौजूद हैं, बड़ी ये इंपॉर्टेंट बात है। और ये टोटल 10% का टोटल कितने होते हैं, तकरीबन 0.9। देखें बहुत कम मिकदार में ये पाए गए, लेकिन फिजियोलॉजिकली ये बड़े एक्टिव होते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फिजियोलॉजिकली ये इंसान को बहुत बड़ी प्रॉब्लम के अंदर डाल देते हैं, बहुत सारे डिजीजे सामने आ सकती हैं इसकी वजह से। तो इस वजह से पीएच को मेंटेन करना जो है वो लाजमी होता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स देखिए, नाम से जाहिर है ये प्रोटीन्स प्लाज्मा के अंदर पाई जाती हैं, और इसमें बड़ा जो रोल है ना वो लिवर का है। अब लिवर कैसे रोल प्ले कर रहा होता है, लिवर बहुत सारी प्रोटीन्स बनवाता है, ऐसी प्रोटीन जो ग्लोबुलिन होती हैं। ग्लोबुलिन का मतलब क्या है, ग्लोब लाइक, ऐसे गोल गोल प्रोटीन्स। आपने पढ़ा होगा एंजाइम्स आर
ग्लोबुलर इन नेचर, ग्लोबुलर इन शेप। तो बेसिकली ये वही अब हम बात करने जा रहे हैं। लिवर जो है वो जो प्रोटीन्स बनवाता है उसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है आपके पास इम्यूनोग्लोबिन। अब इम्यूनो कहां से निकला है? इम्यून सिस्टम से निकला हुआ है। सो इट्स मीन आप इनको एंटीबॉडीज भी बोल सकते हैं। एंटीबॉडीज ये कब बनाई जाती हैं? एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं मिसाल के तौर पर मेरी बॉडी के अंदर कोई वायरल जो है एंटिटी या फिर बैक्टीरिया जो है वो जा चुके हैं, कोई बाहर से एंटीजन जा चुका है, उसके रिजल्ट में क्या होगा, मेरी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगी। और एंटीबॉडीज बनाने के लिए बेसिकली जो सेल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? लिम्फोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स की एक एग्जांपल है। ये लिम्फोसाइट्स बेसिकली क्या करते हैं, इम्यूनिटी को जगाते हैं कि उठो भाई आपकी टेरिटरी में कोई बाहर से जीन आ चुका है, कोई बाहर से बैक्टीरिया आ चुका है, कोई वायरस आ चुका है, तो ये उसके अगेंस्ट जो है वो लड़ाई करना शुरू करता है, एक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। ये हमारे जिस्म के फौजी होते हैं बेसिकली एंटीबॉडीज। उसके अलावा लिवर जो है वो सिंथेसाइज करवाता है आपके पास मेनली जो है फिब्रिनोजिन। अब ये प्रोटीन जो है इसका काम क्या है, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर हेल्प करना। मिसाल के तौर पर कट लग गया है तो कट को रोकने के लिए ये फिब्रिनोजिन प्रोटीन वहाँ पर फाइबर्स बना देती है, जिससे क्या होता है कि ऊपर एक स्कार सा बन जाता है ताकि ब्लीडिंग जो है वो ज़्यादा ना हो। उसके बाद फिब्रिनोजिन के बाद लिवर बनाता है प्रोथ्रोम्बिन। अब ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ये भी बेसिकली क्लॉटिंग फैक्टर है, क्लॉटिंग में हेल्प दे रही होती है। तो इस तरह से बहुत सारी दूसरी प्रोटीन्स भी हैं जो प्लाज्मा के अंदर पाई जाती हैं, लेकिन हमारी बुक में मेनली इनका नाम जो है वो लिखा गया है। उसके बाद तमाम जो हार्मोन्स हैं, यू नो ये केमिकल मैसेंजर होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, कोऑर्डिनेशन में हेल्प कर रहे होते हैं, हमांगी पैदा करते हैं, रवाबित पैदा करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, हार्मोन्स। जैसा कि बच्चा है वो बड़ा हो गया, बलूगत में आ गया है, तो उसके अंदर क्या हार्मोनल चेंजेस आए हैं, उसके अंदर सेक्स हार्मोन जो है वो डेवलप हो रहे हैं। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये सारे के सारे हार्मोन्स जो हैं ये प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर हमने शुगर ज़्यादा खा ली है, मीठा खा लिया, तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट इंसुलिन बनाएगी। इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है, तो कहाँ पर पाया गया है, प्लाज्मा के अंदर पाया गया है। तो ये बात भी आप लोग याद रख लें। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में जब भी हम ऑर्गेनिक का नाम लेते हैं तो हमारे पास कार्ब्स आ जाते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, उसके बाद हमारे पास फैट्स आ जाती हैं, उसके बाद हमारे पास फास्फोलिपिड्स आ जाते हैं। ये सारे कौन से हैं, ये ऐसी क्लासेस हैं जो इससे बिलोंग करती हैं। उसके बाद हमारे पास कोलेस्ट्रॉल आ जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं, प्रोटीन्स आ जाती हैं, अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं जिससे ये मिलकर बनी होती हैं प्रोटीन। तो ये सारे बेसिकली क्या हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं। तो ये भी कहाँ पर पाए जाते हैं, प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। और इनका काम क्या है, मिसाल के तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उन्होंने आगे फिर फर्दर जाके ग्लाइकोजन के अंदर तब्दील हो जाना है और स्टोरेज में हेल्प करेंगे। फैट्स भी एडिपोज टिश्यू में हो जाएंगे। फास्फोलिपिड्स जो हैं वो मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाते हैं। रही बात कोलेस्ट्रॉल की, कोलेस्ट्रॉल हमारा ब्रेन भी यूज़ करता है, या फिर कोलेस्ट्रॉल को इस्तेमाल कर लिया जाता है स्टीराइड हार्मोन बनाने के लिए। अब देखें मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, स्टीराइड हार्मोन, ऐसे हार्मोन्स जो हमें या तो सेक्सुअली एक्टिव करते हैं या फिर स्ट्रेस की कंडीशन में हमें हेल्प दे रहे होते हैं, ये आपके पास कौन से हार्मोन कहलाते हैं, स्टीराइडल हार्मोन कहलाते हैं। और इसके पीछे जो है प्रीकर्सर वो क्या है, कोलेस्ट्रॉल होता है, ये बात याद रख लें आप। तो ये बेसिकली क्या है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ये भी सारे कहाँ पर मौजूद हैं, प्लाज्मा के अंदर मौजूद हैं। फिर आ जाती है नाइट्रोजनस वेस्ट की बात। सेल ने जब ये न्यूट्रिएंट्स लेने हैं तो उसने नाइट्रोजन को निकालना भी है बाहर। जैसा कि देखें मिसाल के तौर पर आपके पास जो हैं ये अमाइनो एसिड या प्रोटीन है या न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए आरएनए, तो उसको सेल जब उसकी ब्रेक डाउन करता है तो उसके रिजल्ट में जो नाइट्रोजन है उसको बॉडी से बाहर निकालना होता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो बड़ी लीथल हो सकती है, बड़ी सख्त किस्म की पॉइजनस हो सकती है जिससे इंसान की डेथ होती है। गुर्दे जब ख़राब होते हैं तो बेसिकली यही प्रॉब्लम होती है कि नाइट्रोजन का लेवल बॉडी में ज़्यादा होना चाहिए। लिवर ख़राब हो गया तो अमोनिया का लेवल बॉडी में ज़्यादा, जिससे क्या होता है एडीमा, सोजिश आ जाती हैं, पिंडलियाँ सूज जाती हैं, टखने सूज जाते हैं, पाँव सूज जाते हैं, चेहरा सूज जाता है जिन लोगों के गुर्दे या लिवर ख़राब होता है। तो मेनली उनके अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो नाइट्रोजन वेस्ट लाइक यूरिया, जिसको हम यूरिन भी बोलते हैं, जो पास आउट करते हैं हम, उसके अंदर यूरिया बहुत ज़्यादा होता है, या फिर स्मॉल अमाउंट में यूरिक एसिड जो है वो पाया जाता है। अगर ये यूरिक एसिड बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाए तो क्या होना शुरू हो जाता है, जो जॉइंट्स हैं वो अपना काम प्रॉपर नहीं करते, तो पेन होती है, जिसको हम अर्थराइटिस भी बोलते हैं, गेंठिया भी बोलते हैं। तो इस तरह की जो है वो बीमारियाँ, यानी कि जोड़ों का दर्द है, इसकी वजह से आना शुरू हो जाता है। और एंड में हमारे पास आती हैं गैसेज। गैसेज में कौन कौन सी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जमा
ऑक्सीजन, तो इसको भी ये साथ साथ कैरी कर रही होती है। ऑक्सीजन क्यों कैरी की जाती है? ताकि हम ऑक्सीडेशन कर सकें फूड की, उसको तोड़कर, जो भी हम खाना खा रहे हैं उसको तोड़कर एनर्जी हासिल करें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ जाती है तो काइंडली आप मुझे कमेंट में लिखा करें, लेक्चर को लाइक किया करें, ताकि मुझे भी पता चले कि बच्चे मेरा जो है वो लेक्चर सुन भी रहे हैं और अच्छे तरीके से। और अगर आप लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ। ये वेरी फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कमेंट में लिखते हैं और कमेंट में जो आंसर है मैं उसको देता तो हूँ, मतलब मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो क्या होता है कि सम टाइम कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको बोल के एक्सप्लेन किया जाता है। सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मेरी अपनी डीपी लगी हुई है, आप इसको इस पर जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। काइंडली अपना नेम लिख के मुझे सेंड कीजिएगा और साथ में मेंशन कीजिएगा, सर आई एम योर यूट्यूब स्टूडेंट। सो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।